उबी अपडेट के बाद से हम किसी भी गुलर पर खड़े होकर किसी भी कहीं भी जंप नहीं कर सकते, ओनली रन कर सकते हैं या जॉयस्टिक से नीचे गिर भी सकते हैं, लेकिन ग्लोगो से ऊपर हम जंप नहीं कर सकते। तो देखो इस वीडियो के अंदर से टॉप 7 बेस्ट हिडन प्लेस बताऊंगा एंड वो भी विदाउट ग्लोर होने वाला था। चलिए यार वीडियो शुरू कर देंगे देरी के। फर्स्ट हिडन प्लेस वर्क करता है फैक्ट्री प्लेस पे एंड गाइस यहां पे बहुत गजब वाला ट्रिक बता रहा हूं। इस ट्रिक को अप्लाई करोगे ना तो बहुत इजी अपने टीममेट को सपोर्ट कर पाओगे एंड एनिमी को बहुत इजीली किल कर पाओगे। एंड गाइस यहां पे ना आप कोई भी लॉन्ग रेंज वेपन को बाइक कर करता है येल प्लेस के ऊपर एंड यहाँ पर ना बहुत बहुत इजी एनिमी किल करोगे, बट यहाँ पे कोई हिडन प्लेस वर्क नहीं करता है, यहाँ पे वर्क करता है ट्रिक। एंड इस ट्रिक को फॉलो करोगे ना तो देखो आप एनिमी से बहुत इजी फाइट ले पाओगे एंड गाइस इस ट्रिक को फॉलो करोगे तो अपने टीममेट को फुल सपोर्ट भी कर पाओगे एंड बैक सपोर्ट बहुत इजी कर पाओगे। एंड गाइस देखो आप यहाँ पे कवर भी रहोगे ना तो देखो अपने अराउंड चारों तरफ एरिया को भी देख सकते हो एंड बहुत ही अच्छे से देखकर उनको बहुत इजी किल कर सकते हो। एंड गाइस जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बहुत ऐसे कवर लेकर खड़ा हूँ एंड सामने लोगों को बहुत इजी से देख रहा हूँ एंड उनको फटाफट किल कर बहुत इजी डबल के साथ विक्टर भी कर लिया हूँ। सो फिर चल नेक्स्ट के ऊपर। सो फिर नेक्स्ट वर्क करता है क्लॉक टावर पे एंड गाइस क्लॉक टावर पे बहुत ओपी वाला ट्रिक बता रहा हूँ। इस ट्रिक को अप्लाई करोगे ना तो बहुत ज़्यादा सीक्रेट तरीके से एनिमी किल करोगे एंड उनको ना तो आपको डैमेज करने के लिए उनको थोड़ा भी मौका नहीं मिलेगा। देखो जब वो आपको देखेंगे ना तो आप उनको बहुत इजी किल कर दोगे। देखो फटाफट आते ना आप यहाँ पे ग्लोअर लगा देना, बट यहाँ पे देखो मैंने छोटा सा गलती कर दिया, आपको यहाँ पे विंडो पे ऊपर ग्लोअर लगाना है ना कि आपके मुंह के ऊपर। आपको यहाँ पे मुंह के ऊपर लगाओगे मुझे छोटा सी दिक्कत पड़ जाती है, बट आप ऐसा मत करना। एंड गाइस देखो जैसे मैं ऊपर आ रहा हूँ ना, पहले आप सामने आगे अपने देख लेना एनमी है या नहीं है, अगर एनमी नहीं होता तभी आप इसके ऊपर आना। एंड गाइस आप यहाँ पे भी आ जाओगे तो यहाँ पे बहुत ईजी आपको फ्रंट व्यू मिल जाएगा एंड एनमी को बहुत इजिली किल कर दोगे। एंड गाइस आपको यहाँ पे नहीं रहना है, जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ना आपको यहाँ पे नहीं, आपको यहाँ पे जो ये चिमनी है ना इसके ऊपर चले जाना एंड यहाँ पे जब चले जाओगे तो बहुत बहुत ज़्यादा सीक्रेट कवर में रह जाओगे। एंड गाइस देखो जब तक आपको एनिमी देखेंगे ना तो आप एनिमी को बहुत इजी तब तक किल कर दियोगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैं बहुत ज़्यादा एनिमी को डैमेज दे रहा हूँ एंड वो बंदा ना मुझे चाहकर नहीं किल कर पाया एंड वो बंदा जैसे मुझे किल करने के लिए बाहर निकलता है फटाफट हेडशॉट देता हूँ एंड बहुत इजी नॉक हो जाता है। फ्रेंड हमारा नेक्स्ट वर्क करता है मास सेलेक्टर पर एंड इस ट्रिक को अप्लाई करो तो देखो जो सामने वाले बंदे रश करने आते हैं ना, बहुत ज़्यादा बंदे रश करके खेलते हैं, उन बंदों को बहुत इजी आप किल कर दोगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैं आते बहुत बहुत ज़्यादा इजी एक बंदों को किल कर दिया हूँ एंड इस ट्रिक को ना आप अप्लाई करोगे उस टाइम ना जब आपके सामने बहुत ज़्यादा एक रसर प्लेयर आ जाएंगे एंड उस टाइम पर अप्लाई करो ना तो बहुत इजी एनिमी को नॉक कर पाओगे इस प्लेस पे। एंड गाइस देखो सकते हो मैं बहुत इजी एक बंदों को आते नॉक कर दिया हूँ एंड एक बंदा पीछे चला गया था रस करते करते। एंड गाइस यहाँ पे ना बहुत इजी मैं यहाँ पे खड़े रहकर उसे बहुत ज़्यादा डैमेज दिया हूँ तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था एंड मेरे टीममेट ने थोड़ा बहुत डैमेज दिया एंड वो बंदा बहुत इजी नॉक हो जाता है एंड यहाँ पर एक बंदा मेरे टीममेट से फाइट लेता बहुत इजी नॉक करता। सो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्क करता है केप टाउन प्लेस पे एंड गाइस देखो यहाँ पे ना बहुत गजब ट्रिक बता रहा हूँ। देखो कभी भी अगर एयर ड्रॉप ना बिल्कुल सेंटर में गिरता है ना तो आप बैक बिना किसी ना वजह से ना आप इस हाउस के अंदर आ जाना। एंड गाइस देखो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, इस हाउस के अंदर आप आ जाओगे ना तो देखो ना ऐसा नहीं होता ही होता है ना कि एक बंदा तो एयर ड्रॉप लूटने आएगा ही आएगा एंड उस बंदे को बहुत इजी नॉक कर दोगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो सामने एनिमी थे ना वो एयर ड्रॉप को लूटने आए रहे थे बट मेरे टीममेट ने रश कर दिया। एंड देखो यहाँ पे अपने टीममेट का मैं फुल बैक सपोर्ट करके ना बहुत इजी बिजी एनिमी किल करता हूँ एंड बहुत इजी ना एनिमी किल करके बहुत इजी मैच को बुइया करा देता हूँ। सो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट के ऊपर। सो फ्रेंड नेक्स्ट वर्क करता है हैंगर प्लेस पे एंड ये ट्रिक ना मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर के लिए नहीं है, जो न्यू सब्सक्राइबर आए ना उनके लिए ये होने वाले है। देखो बहुत सारे बंदे जानते ही नहीं ये ट्रिक कैसे वर्क करती है। देखो आप यहाँ पे आके खड़े हो जाओ ना तो देखो जो सामने से बंदे थोड़ा सा जो पीक देते हैं ना उन बंदों को बहुत इजी बिजी डैमेज देके उनको बहुत इजीली नॉक कर दोगे। एंड देखो बहुत इजी मैं यहाँ पे नॉक करके यहाँ पे डबल क्लच से बहुत इजी विक्ट्री कर ही लेता हूँ। सो फ्रेंड चलिए नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट वर्क करता है मास इलेक्ट्रिक पे एंड गाइस आप यहाँ पे स्कोर देख रहे हो 3-0 का स्कोर चल रहा है एंड आप लोग सोच रहे हो भाई अभी एक आपके इस मतलब विपरीत साइड में जो बंदे खेल रहे थे वो कैसे नुबड़े आ गए थे। भाई वो नुबड़े बिल्कुल भी नहीं आए थे, वो हमारे साथ 3-3 राउंड नो इंटरनेट रैंक किए। एंड गाइस देखो जब फोर्थ राउंड स्टार्ट हो गया ना तो भाई ये देखो ये क्या करने लगे भाई, वो बंदे एकदम एक्यूरेट तरीके से चारों बंदे एक साथ रहकर
कर खेलने लगे। एंड मैं सच में बता रहा हूँ, अगर मैं इस ट्रिक अप्लाई करके यहाँ पे लॉन्ग रेंज से बंदों को फटाफट फायर देकर उनको डैमेज देकर नॉक करता ना, तो मेरे टीममेट को बिल्कुल ऑलमोस्ट खा ही गए थे। एंड यहाँ पे देखो दो बंदे बहुत इजी डाउन हो चुके थे एंड एक मेरा टीममेट बचा हुआ था एंड सिर्फ मैं एक अकेले बचा हुआ था एंड मेरे वजह से ये सारे मैच विन कर लिया। एंड गाइस नेक्स्ट टाइम मैं आपको हिडन प्लेस देखना चाहता हूँ यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो, या बीआर मैप का हिडन प्लेस देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। एंड देखो वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया ना तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो क्या करो, सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।